बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सेशन मज़मून इस्लामिया, टॉपिक रमज़ानुल मुबारक, पढ़ाई सफ़ा नंबर 42, नमाज तरावी। माह रमज़ान की बातों में एक इबादत नमाज तरावी है। नमाज तरावी को क़याम रमज़ान भी कहते हैं। नमाज तरावी 20 रकात हैं। ये नमाज दो दो रकात करके अदा की जाती है। नमाज तरावी की हर 4 रकात को तरवीहा कहते हैं। हर तरवीहा यानी 4 रकात के बाद लोग कुछ देर आराम करते हैं और दुआ मांगते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज सिर्फ रमज़ान मुबारक में ईशा की नमाज के बाद अदा फरमाते हैं। सहाबा इकराम को इस नमाज की तरगीब देते। लैलतुल कदर, माह रमज़ान की रातों में एक रात का नाम लैलतुल कदर है। शब कदर या लैलतुल कदर से मुराद कदर व मंजिलत वाली रात है। लैलतुल कदर में मुकम्मल कुरान के लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजल हुआ। इस रात की फजीलत में अल्लाह ताला ने सूरत कदर नाजल फरमाई। लैलतुल कदर को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जो शख्स लैलतुल कदर में ईमान के साथ अजर के साथ और अजर सवाब के हाथ पर इबादत करता है, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। शब कदर की तौईन में उलमा इकराम के कई अकवाल हैं। एक कौल ये है कि शब कदर रमज़ान मुबारक की 27वीं रात है और दूसरे एक कौल के मुताबिक शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। हमें चाहिए कि अशरा आहरा की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं में खूब इबादत करें ताकि इस कदर व मंजिलत वाली रात को पा लें। अशरा आहरा का इतकाफ़, माह रमज़ान के आखिरी अशरा में इतकाफ़ करना सुन्नत है। इतकाफ़ का मतलब है ठहरना या गोशा नशीन होना। इतकाफ़ करने वाले को मुतकिफ़ कहते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी अशरा में मस्जिद में इतकाफ़ फरमाते। इमाम बकेई ने हज़रत इमाम हुसैन से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिन का इतकाफ़ किया तो गोया इसने 2 हज और 2 उमरे किए। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में मुतकफ़ीन घर छोड़कर मस्जिद के अंदर क़याम करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। इतकाफ़ के ज़रिए हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, लैलतुल कद्र को तलाश कर सकते हैं, इस अज़मत वाली रात को रात की बरकात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मशक, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, माह रमज़ान में शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। नंबर 2, माह रमज़ान में बंदों के रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाता है। नंबर 3, माह रमज़ान के आखिरी अशरा में इतकाफ़ करना सुन्नत है। नंबर 4, माह रमज़ान की बातों में एक इबादत नमाज तरावी है। नंबर 5, शब कदर या लैलतुल कदर से मुराद कदर व मंजिलत वाली रात है। डायरी, रमज़ान मुबारक की पढ़ाई करें और खाली जगह पूरी करें।